स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने दो सेशंस कर चुके हैं जिनमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग ईच एलिमेंट, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, फर्स्ट बुक में किया था, प्लानिंग का पूरा एक चैप्टर किया है। क्या था? टू थिंक इन एडवांस, टू फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर ओकेजन्स। हम ऑल दो फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन, बट फिर भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। तो अब जब इसके साथ फाइनेंशियल वर्ड अटैच हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं? टू फोरकास्ट अबाउट फाइनेंस। तो जो भी फाइनेंस के लिए मैं फोरकास्टिंग करनी है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है हमारे पास, जैसे आपके एग्ज़ाम का भी ब्लूप्रिंट होता है, उसमें क्या होता है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, कितने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी बातें मिलाकर हमारा ब्लूप्रिंट बन जाता है। ऐसे ही कौन से सोर्स से हम फंड रेज करेंगे, कितना करेंगे, ये सब मिला के हमारा ब्लूप्रिंट बन जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है अबाउट फ्यूचर, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फिर हम कहते हैं व्हाई, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसको ऑब्जेक्टिव मस्ट है जानना। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाई का। तो कोई भी कॉन्सेप्ट तुमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, हर कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। भाई जब जितने चाहिए हों उतने फंड्स हमें मिल जाएं, एनफ फंड्स यानी कि जितने रिक्वायर्ड फंड्स हैं उतने मिल जाएं, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पॉसिबल है। अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, अगर आपके रिक्वायर्ड फंड ज़्यादा हैं, आपके रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए की है, आपके पास अवेलेबल है 8 लाख रुपए, तो आपने जो भी कमिटमेंट्स की हुई हैं, अगर आपने कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस पे कमिटमेंट्स की हुई हैं, शेयर होल्डर्स को कमिटमेंट्स की हुई हैं, कि कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कमिटमेंट्स की हुई हैं, एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट्स की हुई हैं, एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विल फेल। आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं कम और रिक्वायर्ड फंड्स हैं ज़्यादा। बट अगर रिक्वायर्ड फंड्स कम हैं और अवेलेबल फंड्स ज़्यादा हैं, भाई नुकसान उसमें भी है। पैसा ज़्यादा आ गया, अब तो उड़ा देंगे भाई, चलो उड़ा दो, मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, तो चलो आज हम अपने एम्प्लॉयज़ को फुल ऑन बड़ी सी पार्टी करते हैं, चलो हम अपने सप्लायर्स को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे देते हैं, चलो हम ऑफिस की कलर चेंज करा लेते हैं, ठीक है। हम अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, हम बार्गेन करते ही नहीं, वी सीम्स टू बी वेरी मॉडरेट, ओके इतना चाहिए ठीक है भाई। मीन्स हम ये एवेल्युएट करना ही छोड़ देते हैं कि कहाँ पर हम पैसा बचा सकते हैं, समझ रहे हो। तो अननेसेसरली हम कॉस्ट ऐड कर देते हैं, अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते हैं, जिस एक्सपेंडिचर का कहीं कोई हमें आगे आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, जो हमारे रिक्वायर्ड फंड्स हैं, जो हमारे अवेलेबल फंड्स हैं, दैट शुड बी बैलेंस। वेरी डिफ़िकल्ट, इतने अनप्रेडिक्टेड फ्यूचर में हम ये कैसे कर सकते हैं? तो देखो 100% ना सही, 99-98% कुछ परसेंटेज तक तो हम कर ही सकते हैं। आपने अपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स सोचे कि इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए, अब आपने सोचे मेरे 98% आने चाहिए, भाई 100% आने चाहिए, अब उसमें आपके आ रहे हैं 70, तो बहुत ह्यूज गैप हो गया ना। आपने सोचा कि भाई अभी ऐसा है मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रहा है, 70% ही आने चाहिए, लेकिन आए 50 या आए 90, तो यानी कि आपने खुद को एस्टिमेट ही ठीक से नहीं किया हुआ था, समझ रहे हो ना। ज़्यादा होने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट मार्क्स ज़्यादा होने में भी कोई बुराई नहीं है और फंड्स ज़्यादा होने में भी कोई बुराई नहीं है, बट
इससे ये पता लगता है कि आपको अपनी असेसमेंट करनी नहीं आती है और आप और बेटर शायद कर सकते हो जो आपने नहीं किया। अगर आपने अपने 90 को 70 पे एस्टिमेट किया था तो इसका मतलब आपने ज़्यादा अच्छे से असेसमेंट ही नहीं की और आप शायद और अच्छा भी कर सकते थे। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके पास इतना फ़ंड है तो वो तो बहुत अच्छा फ़ंड मैनेजमेंट कर सकते थे। अपने फंड्स को उन्होंने आइडियल रखा, खाली रखा, तो वो गलत है। ठीक है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड फंड्स और अवेलेबल फंड्स हमारे बराबर होने चाहिए। अब इन सारी बातों को पढ़ के हमें क्या लग रहा है भाई, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, ऐसा फील नहीं आ रहा? बट ऐसा नहीं होता, ऐसा फील आता है बट वो फील गलत होता है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं। कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक से, हमें बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग टेक्निक से, हमें बेस्ट चूज़ करना है अमंग ऑल द डिसीजंस, व्हाट डिविडेंड डिसीजन वी शुड टेक, व्हाट कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी शुड पुट विद आर सेल्फ। ये सब डिसीजन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेना दिखा रहा है, पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके। ये हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि फंड की रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी, ये जो हमारे तीन डिसीजन हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किए थे, इन तीन डिसीजंस में हमने जो कुछ भी एनालाइज किया ऑन दैट बेसिस, ये सिर्फ दो चीज़ें बता रहा है, एक राइट टाइम पे राइट फंड अवेलेबल हो, दैट्स इट, एंड विद राइट अमाउंट। तो ये एक राइट अमाउंट की और टाइमिंग की अवेलेबिलिटी बता रहा है। तो ये सिर्फ क्या बोल रहा है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, जबकि ये क्या कह रहा है कि हमें फ़ंड रिक्वायरमेंट्स देखनी है और उसका क्वांटम देखना है, कितना रेज करना है, और हमें टाइमिंग देखनी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे फंड्स के कितने रिक्वायरमेंट और वो ऑन टाइम मिल जाएं। इन रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री की डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हुए? दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, इस पूरे कहानी से हमें समझ में आ गया। दूसरा, टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। मतलब अगर हमें पता है कि हम बैंक में बैठे हैं, बैंक किसी काम से गए, बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई आपका तो ना क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपको तो बहुत आराम से फंड्स मिल सकते हैं, ले लो, हमारे भी टारगेट पूरे हो जाएंगे, दे दो यार कोई बात नहीं, कितने का लेना है, 50 लाख का दे दो, काम तो आ ही जाएगा, पैसा कहाँ काम नहीं आता। बट वहाँ उनके टारगेट्स पूरे हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने अननेसेसरली अपने ऊपर एक फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन ले लिया, उस बैंक लोन इंटरेस्ट तो आपको ही देना है, आपने अननेसेसरली रेज कर लिया कि काम तो आ ही जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह का अननेसेसरली जो रेजिंग ऑफ फंड्स है उसे अवॉइड करता है। ठीक है, गॉट इट? तो एक तो ये हमारा एस्पेक्ट हो गया, तो इससे हमें समझ में आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग अब होती क्या है। तो क्या कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स। तो हमारी ये एक समरी में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी फंड रिक्वायरमेंट्स को और सोर्सेज को बता रही है। ठीक है, जिस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ, इन्हें हम कहते हैं पॉइंटर्स। आपको कोई भी थ्योरी चैप्टर जब पढ़ना होता है तो कभी भी डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैंने आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे के बताए हुए हैं, इसी तरह से अपने पॉइंटर्स बनाओ, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखने को आते हैं कि 5-5 पेज के आंसर लिखो। यू डोंट रिक्वायर एनी नोट्स, आपको MCQs आते हैं, केस स्टडीज आती हैं, यू जस्ट नीड पॉइंटर्स। NCERT की हेडिंग्स पे ही फोकस करना, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने हर थ्योरी पेपर के पॉइंटर्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस कम्प्लीटली रिपीट है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, बट मैंने फिर इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि NCERT में फाइनल कंक्लूजन के समय ये लाइन लिखी हुई थी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक क्वेश्चन दे देंगे, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड डैश। ये एग्जैक्टली
एनसीईआरटी की लाइन है डैश, नीचे ऑप्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। टू मच कंफ्यूजिंग ना, तो इसलिए एनसीईआरटी इज मस्ट। तो इस तरह से पॉइंटर्स बना लिया करो। तो ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग को काम करना पड़ता है, कौन से ऐसे फोकस पॉइंट्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग को अपना फोकस देना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है। ग्रोथ, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसे ग्रो करना ही नहीं है तो दे डोंट नीड सो मच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर वो ग्रो करने वो स्टेगनेंट रहना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी बट नॉट सो मच टेक्निकली। परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं कि हमारी पहले कितनी परफॉर्मेंस थी, हमारी आगे कितनी परफॉर्मेंस है और हमें कितना हम चाहते हैं, मतलब हमने पहले अपनी सेल्स को इतना बढ़ाया, अब प्रेजेंट हमारी सेल्स इतनी है और हम फ्यूचर में कितनी सेल्स चाहते हैं, हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं, हम आरओआई कितना चाहते हैं, एवरीथिंग द परफॉर्मेंस। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, किस प्रोजेक्ट में, हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से सोचा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से दिस इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, तो उस इन्वेस्टमेंट पे क्या अब हमें वो जो हमने आरओआई सोची वो कैसे मिलेगी हमें, तो वो सारे जो हमने डिसीजंस लिए उन सबको एग्जीक्यूट करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, तो देख रहे हो ये सारे वही हैं जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, उन्हीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं। फिर प्रोसेस, अब प्लानिंग है तो प्रोसेस तो हो गई, तो इसके प्रोसेस में अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेप इसका आता है प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। भैया सबसे पहले ना रिवेन्यू देखो कितना आएगा, क्योंकि जब तक कंपनी ये फोरकास्ट नहीं करेगी, मेरे को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब मैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ये तो देखूंगी कि उसमें कॉस्ट कितनी आई है, लेकिन पहले मैं क्या देखूंगी कि इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी होगी, कितना रिवेन्यू मैं जनरेट कर लूँगी, कितना मार्केट शेयर मैं कैप्चर कर सकती हूँ। वो हमारी एक्सपर्टीज़ पर बेस्ड है कि हम वो एनालिसिस, वो फोरकास्टिंग कितना सही करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा ओहो मेरा प्रोडक्ट तो सबसे बढ़िया है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, बड़ा आराम से मैं पूरी मार्केट का आराम से 80% मार्केट शेयर ले लूँगी। That is a good thing. Believe in yourself, but not so much believe in yourself कि आप अपने आप को over analyze कर लो। आपको पूरे competitors के strategy समझ कर, सबको देख कर ये समझना होगा कि actually में कितना हमारा revenue आ जाएगा जो एक authenticate figure हो। Fine, उसके बाद मैं देखना शुरू करूँगी, अच्छा इतना अगर आ जाएगा तो fixed capital, working capital requirements कितनी है, मतलब capital budgeting decision आ गया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो आ गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप। अब मैं सोचूंगी कि अच्छा अच्छा यहाँ पे मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, प्रॉफिट कितना कर लेंगे, यानी कि हम कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, थर्ड स्टेप कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, और फिर मैंने चौथा टाइम देखा कि अच्छा अब मैंने ये सब तो देख लिया कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मुझे इतनी सेल्स करनी है, इतनी मेरी कॉस्ट लग रही है, अब पैसे का इंतज़ाम शुरू करते हैं। तो अब मैंने पैसे का इंतज़ाम शुरू किया, एक लेमैन जिसने कि ये सब नहीं पढ़ा वो शायद पहले ये सोचेगा भैया पैसा कहाँ से आएगा, अच्छा इतना पैसा आ जाएगा अब मैं इसको कहाँ कहाँ लगाऊंगी, अच्छा तो फिर मेरी इतनी कॉस्ट आएगी, इतना प्रॉफिट आएगा, तो मेरे को इतनी सेल्स करनी पड़ेगी, वो इस वाले फॉर्म में जाएगा। दोज हु डोंट नो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बट दोज हु नो दिस वो पहले अपनी सेल्स फोरकास्ट देखेंगे, उसके बाद फिर ये इस तरह से चार स्टेप्स में कहानी चलेगी आगे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस काम करता है। अब ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये कॉन्सेप्ट हर जगह आ जाता है उठ के, शॉर्ट टर्म वही जो विद इन अ ईयर है और लॉन्ग टर्म जो मोर देन वन ईयर है, ठीक है। तो जो हमारी बजट्स बनाते हैं हम, कैश बजट हमने बनाया, प्रोडक्शन बजट बनाया, सेल्स बजट बनाया, एक्सपेंसेस बजट बनाया,
इतने सारे जो हम बजट्स बना रहे हैं वो जनरली एक साल और कई बार तो हम बजट क्वार्टरली भी बना लेते हैं कि एक साल का बजट तो बनेगा, वो हमारा मेन मास्टर बजट होगा, उसके अंडर में क्वार्टरली मंथली ये सब बजट्स भी हम बना रहे हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म हो गए। फिर शॉर्ट टर्म के बाद हमें लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ता है कि जो हमारी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारे ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट इनकी जब बात करते हैं तो ये जो मेजर हमारे फोकस पॉइंट्स हैं दैट आर कवर्ड अंडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम इन्हें कैसे कवर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे, कहाँ से कितनी आरओआई आएगी, ये पूरा एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो हमारा सिर्फ देखा जाए ना तो थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्मॉल स्मॉल कि अच्छा इस अगर हमें पूरे साल की सेल 120,000 चाहिए तो अब मैंने स्मॉल स्मॉल बजट्स बनाए कि अगर पूरे साल 120,000 चाहिए तो पर मंथ की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्वार्टरली कितनी होनी चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा टारगेट अचीव नहीं हो वैसे ही हम उस पर एकदम से एक्शन ले पाएँ। तो ये हमारे बजट हैं। अब इतना सब पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान हो गया, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग। इतना सब पढ़ के तो हम बता ही सकते हैं, देखो इसको अभी छोड़ो, तुम्हें अगर सिंपली फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस लिखनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरिट्स लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखनी है, तो मैं तुम्हें एक सबसे आसान ट्रिक बता देती हूँ। तुमने प्लानिंग पढ़िया तो बस प्लानिंग को फाइनेंस से जोड़ के लिख देना, ये इमरजेंसी में कि प्लानिंग को फाइनेंस से जोड़ के लिख दो, आंसर विल बी 100% करेक्ट। थोड़ा सा और टेक्निकल पढ़ने के लिए हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग, प्लानिंग वाली बात है, व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, क्या हो सकता है, मे हैपन, हम मे वर्ड यूज़ करेंगे, व्हाट विल नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो कि अनसर्टेन है, तो हमेशा मे, व्हाट मे हैपन अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। जैसे कि मैंने कहा कि हमने सोचा कि हमारा जो सेल्स है वो पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ जाएगी, अब मेरी सेल्स 30 की जगह 10% बढ़ी, मेरी सेल्स 30 की जगह 50% बढ़ गई, तो ये जो मेरे पास अलग अलग सिचुएशंस आएंगी तो उसमें अगर मैं इफ देन ये चलता रहेगा कि अगर सेल्स इतनी बढ़ी इतनी कम हुई तो हम ना कैपिंग कर देते हैं, सिर्फ सेल्स में ही नहीं प्रॉफिट में भी हर चीज़ में, कि ये हमारा फोरकास्टिंग है, ये अपर कैप है, ये लोअर कैप है, जिससे कि अगर हमारे प्लान में कहीं भी कुछ डेविएशन करना पड़े तो हम पूरा पहले से सोच के चलते हैं कि व्हाट विल बी द एक्शन प्लान इन दैट केस। फिर हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, बिजनेस शॉक्स एकदम से लगेंगे वही कंटिजेंसीज, कि इमरजेंसी में एकदम से बिजनेस शॉक्स लगे तो हम उसके लिए खुद को पहले से तैयार करके रखते हैं। यू मस्ट रेड अबाउट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, क्या कहता है कंजर्वेटिज्म, कि ऑलवेज एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स, ऑल दो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इसके अगेंस्ट जाके सबसे पहले प्रॉफिट्स को दे रही है, बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस ही ये है, हम कर ही इसे ले रहे हैं कि हम बिजनेस शॉक्स के लिए काम कर सकें, कि हम ये एंटिसिपेट कर सकें कि क्या क्या हमारे पास बिजनेस शॉक्स आ सकते हैं, हमारा बिजनेस साइकिल, जो हमने बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा था कि ये बिजनेस साइकिल होता है, हम बिजनेस साइकिल के कौन सी स्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा एनालाइज करना। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन वेरियस फंक्शंस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सारे फंक्शंस होती हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अब हर डिपार्टमेंट को तो फंड चाहिए, और प्रोडक्शन वाला कहे नहीं नहीं हमें ज़्यादा पैसे दो क्योंकि हमें प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आप क्या बेच दोगे, मार्केटिंग वालों ने कहा अरे तुम्हारा प्रोडक्शन कितना भी अच्छा हो हमारा मार्केटिंग टीम अगर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है, फाइनेंस ने कहा भाई ऐसा है पैसा मुझे अरेंज करना है जरा मुझे भी कुछ सोचने दो। तो बात ये आती है कि इतने सारे फंक्शंस जो हैं हमारे बिटवीन अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल दीज फंक्शंस इज डन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, रिड्यूसेस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, बट ऑब्वियस है इफ़ यू थिंक इन एडवांस योर एफर्ट्स विल नॉट गो इन अ रॉन्ग वे,
देन लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना फंड रेज करना है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन इंटरलिंक्ड होंगे कैसे? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होंगे, ठीक है ना। हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा जो कैपिटल बजटिंग के थ्रू हमने देखा कि हमारा जो प्लांट है वो 10 करोड़ का है। अब 10 करोड़ में से हमारे पास खुद का फंड कितना है, हमें शेयर्स के थ्रू रेज करना है, डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना है, बैंक लोन लेना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा फंड मैनेजमेंट यानी कि वो जो हमारा पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन है इन रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वाइस वर्सा, कि फाइनेंसिंग डिसीजन ने कहा दिस इज अवर अवेलेबल फंड्स, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ने कहा कि अच्छा दिस फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय दिस वे। तो ये सारा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। और जो हमने प्लानिंग में किया था, कंट्रोलिंग बहुत आसान कर देती है ये, ठीक है ना। कंट्रोलिंग को बहुत आसान कर देती है बिकॉज कंट्रोलिंग को ये एक बेस प्रोवाइड कर देती है कि हमने क्या सोचा, हमें एक्चुअली में क्या मिला, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, वो डेविएशंस क्या रहे, डेविएशंस इग्नोरेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, अगर कंट्रोलेबल हैं तो हाउ टू कंट्रोल दैट डेविएशंस, व्हाट आर द प्लान्स टू क्योर दैट डेविएशंस, ये सारा इवैल्यूएशन प्रोसेस बिकम्स इजी। गॉट इट। तो आज हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, जो हमारा एक टॉपिक बच गया इसमें, EBIT एंड EPS एनालिसिस, न्यूमेरिकल है बिजनेस स्टडीज़ में भी। ओके, सो स्टे विद अस, और आपको जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल, ये सब तो कर ही लोगे, मुझे पता है, हर बार बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।